नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन में क्या अंतर होता है? वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनमें ज्यादा कुछ खास अंतर तो नहीं होता, खास एक दो अंतर होते हैं, उनको भी मैं अभी बता दे। दोस्तों, इसे आप उदाहरण के तौर पर ही समझ पाओगे। दोस्तों, वो उदाहरण यह है कि आपने कभी सुना होगा, जैसे जयपुर से दिल्ली के लिए रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है और ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसमें भी आप थोड़ा तो समझ गए होंगे, फिर भी जानते हैं कि रेलवे ट्रैक वो होते हैं जो लोहे की पटरी, सिग्नल और स्लीपर, यह सब मिलकर ट्रैक का निर्माण करते हैं। और रेलवे लाइन उसे कहते हैं जो रेलवे ट्रैक किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों की दूरी को जोड़ते हैं, जैसे जयपुर से दिल्ली की या कोई भी दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी को रेलवे ट्रैक बोलते हैं और इन सब को मिलाकर रेलवे लाइन बोलते हैं। दोस्तों, इसे आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे उसका घर दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के पास है। कभी भी ये नहीं बोलते कि उसका घर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जिसे आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।